जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप भी SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 के अभ्यर्थी हो तो दोस्तों आपको इंतजार है कि हमारा री मेडिकल कब होगा और साथ में री जो मेडिकल है उसके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, साथ में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, क्या री मेडिकल वालों की अलग से आएगी और मेडिकल फिट वालों की अलग से आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ में महत्वपूर्ण जानकारी आपके री मेडिकल से रिलेटेड जो डेट है वो यहां पर आ चुकी है, कितनी तारीख से आपका रीमेडिकल शुरू होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, सीआरपीएफ ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं जो सीआरपीएफ के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपके री मेडिकल से रिलेटेड डेट भी दे रखी है कि 14 मार्च से आपका री मेडिकल शुरू होगा और एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, ये सारी जानकारी उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखी है। दोस्तों सबसे पहले मैं वो नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद में आगे की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों आप देख सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस पूरी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको सबसे पहले डेट भी दिखा देता हूँ, 25 फरवरी को ये नोटिस पब्लिश हुआ है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्स्टेबल GD इन कैप्स है, आपके NIA SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 से रिलेटेड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, RME की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है विल बी स्टार्ट, वो स्टार्ट हो जाएगा 14 मार्च से। आपका जो री मेडिकल वाले अभ्यर्थी उनके लिए बड़ी खबर है, री मेडिकल 14 मार्च से आपका शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड RME विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जो मार्च का फर्स्ट वीक है उसमें आपके री मेडिकल वालों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। अवेलेबल ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट है जो CRPF.government.in, उस पर आपका ऑफिशियली जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलने वाला। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो रीमेडिकल वाले हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रीमेडिकल कब होगा, कब तक हमारी डेट आएगी। लेकिन यहां पर बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे भी चल रहे हैं कि आपकी जो भर्ती है वो रद्द हो सकती है, कोर्ट में चली गई। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर आपकी रीमेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, अब जल्दी आपके रीमेडिकल होंगे। और रीमेडिकल मार्च में, मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, आपका मार्च में यहाँ पर रीमेडिकल होने वाला है और मार्च में जैसे ही आपका रीमेडिकल खत्म हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों मार्च अप्रैल शुरुआत में आपके फर्स्ट वीक तक आपका रीमेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अप्रैल के बाद में आपका मई छोड़ दीजिएगा और मई लास्ट या जून फर्स्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है जो वो भी आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी दोस्तों स्टेट वाइज आएगी, अलग अलग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की अलग आएगी, नक्सल एरिया की अलग आएगी और जनरल डिस्ट्रिक्ट है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट अलग आने वाली है। अब बड़ी बात दोस्तों मैं बताता हूं, बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करके पूछते हैं क्या सर रीमेडिकल और जो मेडिकल फिट है उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो क्या एक साथ आएगी या फिर अलग अलग आने वाली है। दोस्तों ये बड़ी बात है, मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बता देता हूं, आपका जो अभ्यर्थी मेडिकली फिट हुए थे, जो ग्राउंडली मेडिकल फिट हुए, जब आपका मेडिकल चला था उस टाइम ग्राउंड में जो मेडिकल फिट हुए थे, और जब और जो बाकी बचे हैं जिनका रीमेडिकल होने वाला है, रिव्यू मेडिकल होने वाला है 14 मार्च से, उन सभी का जो मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा रीमेडिकल वालों का, उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और खास बात, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मेडिकल फिट और रीमेडिकल वालों दोनों की एक साथ ही आएगी, ये नहीं है कि मेडिकल फिट वालों की अलग से आएगी और रीमेडिकल वालों की अलग से आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपके नंबरों के हिसाब से आएगी और दोनों रीमेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिनमें रीमेडिकल में जो अभ्यर्थी ग्राउंडली फिट होंगे उन सबको मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब खास बात दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे या फॉर्म सही फिलअप नहीं किया, उनको उनके लिए यहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी आपके नाम में मिस्टेक है, तो पहले SSC ने साफ साफ बताया था कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिजिकल के टाइम मेडिकल से पहले आप उसका जो सोल्यूशन करवा सकते थे SSC कार्यालय जाके, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो अब उनका बहुत ही कम चांसेज है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो आपका 14 मार्च से आपका रीमेडिकल शुरू
होने वाला है और लगभग बात करें तो 14 मार्च से लेके आपका अप्रैल तक, अप्रैल के शुरुआत तक आपका मेडिकल, लगभग रीमेडिकल में एक महीना आपका लग जाएगा और रीमेडिकल के बाद में एक से डेढ़ महीने बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें बताया जाएगा कि इतने अभ्यर्थी ग्राउंडली मेडिकली फिट है और उसके बाद में आपकी जो फाइनल मेडल लिस्ट आएगी उसी में आपको बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर, आपको कौन सी फोर्स मिली है, जो आपने चॉइस लगाई थी वो अब आपको जब आपकी फाइनल मेडल लिस्ट आएगी उसी टाइम आपको पता चलेगा कि सर मुझे बीएसएफ मिली है या फिर सीआईएसएफ मिली है, एसएसबी है या फिर एनआईए या एसएसएफ मिली है, ये सब फाइनल मेडल लिस्ट आएगी उस टाइम आपकी जो आपके नाम और आपकी रैंक के साथ में आपका आपको जो पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट भी आपके सामने लिखी हुई मिलेगी कि आप बीएसएफ के लिए जाओगे या फिर सीआरपीएफ के लिए जाओगे। तो दोस्तों इसी प्रकार सब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 रिलेटेड कोई भी अपडेट या नोटिस आता है दोस्तों उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।